हाय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई एम अशोक कुमार शर्मा, मास्टर ऑफ आर्ट इन हिस्ट्री, द चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ एके स्टडी सेंटर। आज हम लोग जो है थोड़ा सा चर्चा करेंगे क्लास 9 CBSE का जो है भूगोल के बारे में, जो कि पहला चैप्टर है भारत का आकार और स्थिति। भारत का आकार और स्थिति के बारे में देखिए, भारत सबसे पहला जो है मोटा मोटी बात तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा दुनिया में जो 8 कंटिनेंट्स हैं, 8वां कंटिनेंट्स है जिलेंडिया, 8 कंटिनेंट्स है और 8 कंटिनेंट्स मींस 8 महादेश। इस 8 महादेश में जो एशिया महादेश है, एशिया महादेश के जो दक्षिण तम बिंदु है, मतलब दक्षिण जो सबसे दक्षिण में जो है वहाँ पर स्थित है भारत। भारत की स्थिति यहाँ पर है और भारत जो एशिया महादेश में सबसे दक्षिण में है, सबसे आखिरी देश भारत है। और भारत जो है, भारत का जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख वर्ग किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर से लेके 7,216 किलोमीटर भारत का जो है वैसा भूमि है, जो कि है वैसा भूमि का जो है उसका जो है सीमा रेखा है, जो समुद्र तट को जो है स्पर्श करता है, और जो है 15,200 जो है किलोमीटर से जो केवल जो भारत का जो है मुख्य भूमि का जो है सीमा रेखा उसका जो है दूरी है। यह है मोटा मोटी बात। इसके अलावा भारत की स्थिति, जैसे हम जानते हैं पृथ्वी जो है, पृथ्वी को दो काल्पनिक रूप से दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। 0 डिग्री से जो उत्तर की ओर होता है उधर का भाग जो है उत्तरी गोलार्ध हम लोग कहते हैं, और 0 डिग्री से जो है दक्षिण की ओर है उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये 0 डिग्री, इस डिग्री को बांटा गया है अक्षांश रेखा में और देशांतर रेखा में। 0 डिग्री से जो ऊपर की ओर लाइन जाता है और 0 डिग्री से जो नीचे की ओर लाइन जाता है उसको हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं, मतलब बायां से दायां जो लाइन जाता है उसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। और जो नॉर्थ से साउथ की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जो लाइन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। पृथ्वी को इन कोऑर्डिनेट्स में बांटा गया है, इन जो है मकर जाल में। हिंदी में कोई ऐसा शब्द जो है विशेष नहीं है, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो इस तरह का जो है जाल में जो है इस तरह का जो है इसको बांटा गया है। तो भारत की स्थिति जो है पृथ्वी के ग्लोब के जो है उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में जो है कितने डिग्री अक्षांश में और देशांतर में है, तो भारत की जो स्थिति है, भारत का जो है इसका अक्षांश जो है, भारत का जो मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो कन्याकुमारी है वहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। और भारत का जो है सबसे उत्तरी सीमा, उत्तरी बिंदु जो है 37 डिग्री 6 मिनट जो हमारा जम्मू कश्मीर के पास है। तो इतना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का जो डिग्री है वो टोटल 29 डिग्रीज में इसको लगभग में जो है डिस्टेंस है। और भारत का जो पश्चिमी, सबसे पश्चिमी भाग जो गुजरात के पास है वो कितना है 68 डिग्रीज 7 मिनट, पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में उसका डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से भी यहाँ 68.7 डिग्री से लेकर 97.25 डिग्रीज इसका डिस्टेंस भी है लगभग 29 डिग्रीज। तो डिग्रीज में कितना डिफरेंस, लगभग 29 डिग्रीज। किताब में दिया हुआ 30 डिग्री, इससे भी थोड़ा सा और हम लोग जो है प्रिसाइज करते हैं तो 29 डिग्रीज, और ये डिग्रीज में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन किलोमीटर में ये डिग्रीज में भी जो है बहुत अंतर हो जाता है। किलोमीटर में दूरी कितना है, तो भारत का जो उत्तरी जो सबसे उत्तरी जगह पर है जहाँ जम्मू कश्मीर है, और वहाँ से लेकर भारत का दक्षिणतम बिंदु जो मुख्य भूमि का जो है दक्षिणतम बिंदु का दूरी जो है कन्याकुमारी के पास उसका दूरी है 3,214 किलोमीटर। भारत का जो सबसे पश्चिमतम बिंदु है गुजरात से लेकर भारत का सबसे जो है पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश तक का जो दूरी है वो है दूरी 2,933 किलोमीटर। इस दूरी को जो कि है याद रखना है,
इस दूरी को जो है परीक्षा में पूछा जाता है और उसके बाद जो है बाद में प्रतियोगिता परीक्षा में भी जो है इसे पूछा जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूरब की दूरी 2933 किलोमीटर। उसके बाद भारत भारत का जो है एक मानक समय होता है, मानक समय मतलब होता है एक स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय मतलब होता है उस जो है स्टैंडर्ड के हिसाब से किसी देश का समय को निर्धारित कर दिया जाता है और उस देश में जैसे हमारे देश भारत में संपूर्ण भारत में उसी मानक समय के हिसाब से सबका घड़ी सेट रहता है। तो मानक समय भारत में क्या है तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मतलब पूरब, 82 डिग्रीज 30 मिनट ईस्ट पूरब है, जो कहां से गुजरती है भारत में एक काल्पनिक लाइन है जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। एक क्वेश्चन यहां पर भी हो जाता है कि भारत का गुजरात से लेकर भारत का जो है पूर्व जो है पूर्वोत्तर राज्य जो अरुणाचल प्रदेश है वहां का जो डिस्टेंस है समय में कितना है, 2 घंटा का डिस्टेंस है, 2 घंटा का डिस्टेंस है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्यास्त जब अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होता है जिस समय तो वहां का घड़ी का टाइम अलग होता है और जब सूर्योदय हमारा गुजरात में होता है मुंबई में होता है तो वहां का जो है घड़ी में समय अलग होता है। मतलब 2 घंटा पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और सूर्यास्त हो जाता है और वही जो है गुजरात और मुंबई वाला एरिया में 2 घंटा के बाद सूर्योदय या सूर्यास्त होता है, तुलना हमारे उत्तर प्रदेश से। तो ये जो इस तरह का जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है तो इसका क्या कारण है, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है लिखने में मेंस में या फिर ऑब्जेक्टिव में। तो इसका कारण है कि भारत संपूर्ण भारत में लोगों के सुविधा के लिए सारे संपूर्ण भारत में प्रशासनिक काम के सुविधा के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम को सेट कर दिया गया है, एक निर्धारित कर दिया गया कि इसी जो है रेखा से काल्पनिक रेखा से भारत का जो है मानक समय तय होगा, मानक समय होगा और संपूर्ण भारतवासी फॉलो करेंगे। तो ये हमारा भारत का मानक समय रेखा जो है मानक समय है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, 82 डिग्रीज 30 मिनट पूरब में सेट किया गया है, ये भारत का मानक समय है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत की जो स्थिति है तो भारत के दक्षिणतम तरफ जो दक्षिण तरफ जो सबसे दक्षिण तरफ है तीनों ओर जो है समुद्र से घिरा हुआ है। कौन कौन सा समुद्र है भारत के पश्चिमी भाग में देखते हैं कि अरब सागर है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अब हम देखते हैं कि अरब सागर में एक द्वीप समूह है वह है लक्षद्वीप और ये लक्षद्वीप क्या है, ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है और लक्षद्वीप का जो है मुख्यालय प्रशासनिक मुख्यालय है कवरत्ती है। और उसके बाद जो है हिंद महासागर में जो है लक्षद्वीप के दक्षिण की ओर जो है वह है मालदीव। ये मालदीव जो है हमारे पड़ोसी देश भी हैं, ये दूसरा देश है भारत का अंग नहीं है। और दक्षिण में एक है श्रीलंका भी हमारे पड़ोसी देश है। अब भारत का जो दक्षिण पूर्व में हम लोग जो देखते हैं ये है बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में है एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी जो है भारत का एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 अलग भागों में बांटती है 10 डिग्री चैनल। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत का पड़ोसी राज्य जो है पश्चिम के तरफ से हम लोग बढ़ेंगे, बढ़ते हुए पश्चिम से होते हुए नॉर्थ होते हुए फिर नॉर्थ पूरब फिर जो है नॉर्थ ईस्टर्न होते हुए उत्तर पूरब होते हुए हम लोग पूरब की ओर चलेंगे। तो भारत देखते हैं भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है हमारा, पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान है, उसके बाद ताजिकिस्तान है जो भारत से भारत की भूमि से वह
स्पर्श नहीं करता है। उसके बाद चीन है, चीन के बाद तिब्बत है, तिब्बत के बाद भूटान है, भूटान के बाद आगे पूर्व की ओर म्यांमार है, और फिर बांग्लादेश है। तो ये सब हमारे जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। उसके बाद भारत में जो है ये कौन कौन सा राज्य है, कौन कौन सा राज्य है जो कि लैंड लॉक्ड है, मतलब कहने का मतलब है वो किसी दूसरे पड़ोसी देश के बॉर्डर से जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है, और किसी बाहरी जो है समुद्र से वह स्पर्श नहीं करता है। तो कौन कौन सा राज्य है, तो उसमें से ये हमारा राज्य है वो है झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है और हरियाणा है। तो ये सब देखेंगे। और उसके बाद जो है भारत में जो है कितना स्टेट्स है, तो अभी जो है नया आंकड़ा के हिसाब से 29 स्टेट्स, 29 राज्य है जो हमारा 29वां राज्य बना है। कौन सा बना है, वो बना है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश का राजधानी है अमरावती और तेलंगाना का राजधानी है हैदराबाद। और उसके बाद नेशनल टेरिटोरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश भारत में अब 8 हो गया है। आठवां जो नया बना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। जैसा एक महत्वपूर्ण बात और भी जानते हैं कि दुनिया जो है 8 महादेश है जिलेंडिया को लेकर, तो इस महादेश में जो है इन 8 महादेश में जो एशिया महादेश है उसी एशिया महादेश में भारत की स्थिति है, और भारत इस एशिया महाद्वीप के दक्षिण मतलब जो है दक्षिण की तरफ जो है भारत स्थित है। भारत के जो है उत्तरी सीमा की ओर है नेपाल है, हिमालय है, नेपाल देश है और हिमालय है। इस हिमालय के द्वारा हमारा भारत जो है भारत का हमारे प्राचीन काल से लेकर प्राचीन काल से ही भारत जो है भारत का रक्षा इस हिमालय के कारण भी हुआ है, जैसे बाहरी आक्रमणों से रक्षा हिमालय के चलते भारत में हुआ है। और इतना ही नहीं, जो खतरनाक जो ठंडी जो मौसम है, जो ठंडा जलवायु है, जो साइबेरिया से जो भारत जो है भारत की ओर आने से बचाता है, या यूं कहें कि अगर नेपाल नहीं रहता तो भारत में जो है संपूर्ण भारत में जो क्या होता है रेफ्रिजरेशन मतलब बर्फ ही बर्फ, फ्रिज की तरह जो है बर्फ की चट्टाने होती है, बर्फ होता है, इतना ठंड होता है, और यहाँ की जलवायु इस प्रकार का नहीं हो पाता, मॉडरेट नहीं हो पाता, और उतना ज़्यादा ठंड बर्फ की चट्टाने होने के कारण यहाँ का जो है जलवायु कृषि जो है यहाँ का संभव नहीं हो पाता, वनस्पति संभव नहीं हो पाता, और मानव का इस प्रकार का जो है विकास या उत्पत्ति नहीं हो पाती है। अब रही बात की भारत जो है, भारत जो एशिया महादेश के दक्षिणतम सबसे दक्षिणतम बिंदु में स्थित है, और उसके बाद भारत का जो दक्षिणी सीमा जो है वो हिंद महासागर की ओर घुसा हुआ है, और इस दक्षिणतम जो किनारा है उसकी ओर 3 और जो है समुंदर है, पूरब की ओर है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की ओर है अरब सागर, दक्षिण की ओर है इंडियन ओशियन मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग हिंद महासागर। दुनिया में एक ऐसा ही महासागर है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है, वो भारत के नाम पर पड़ा है हिंद महासागर। आखिर ऐसा क्या चीज़ है कि इस महासागर का नाम हिंद महासागर इंडियन ओशियन पड़ा, किसी देश के नाम पर इस जो है ओशियन का नाम पड़ गया। तो इसीलिए कि भारत की एक विशेष स्थिति इस प्रकार की है इस इन समुद्रों के साथ और इंडियन ओशियन के साथ, जिसके चलते जो है इसका नाम पड़ गया हिंद महासागर इंडियन ओशियन। और भारत की एक विशेष स्थिति जो इस ग्लोब में जो बीच का पोजीशन है, जो पूर्वी देश और पश्चिमी देश के बीच में जो है बीच में और दक्षिणतम की ओर है, इस बीच में स्थित होने के कारण भारत को बहुत लाभ हुआ। जैसे भारत जो है आसानी से पूर्वी देशों के साथ संपर्क प्राचीन काल से स्थापित कर पाया और स्थापित करते आ रहा है, चाहे रास्ता हो, मार्ग हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, हर चीज को जो है पूर्वी देशों के साथ बहुत आसानी से जो है बीच में रहने के कारण पूर्वी देशों से भी जो है आसानी से संपर्क स्थापित कर पाया है, हवाई मार्ग के द्वारा, चाहे जल मार्ग के द्वारा, चाहे जो है भूमि मार्ग के द्वारा। जैसे पूर्वी देशों के साथ जो पूर्वी देश हमारे हैं इंडोनेशिया है, पूर्वी देश हमारा जापान है, टोक्यो है, सिंगापुर है, जो और भी सारे बहुत सारे देश हैं, जो मलेशिया हैं, ये सारे जो देश हैं, और भी बहुत सारे देश हैं, थाईलैंड हैं, बैंकॉक हैं,
उसके बाद और भी बहुत सारे हमारे जो हमारे उत्तरी देश हैं, रशियन कंट्रीज हैं, चाइनीज कंट्री हैं, हमारे उत्तर यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज भारत बीच में रहने के कारण यूरोपियनों से भी जो आसानी से जो है संपर्क स्थापित कर पाया। यूरोपियन कंट्रीज हैं, फ्रांस है, ब्रिटेन है, पोलैंड है, हंगरी, रोमानिया और भी बहुत सारे देश हैं, हमारे जो अरब के कंट्री हैं, जैसे हमारे लाल सागर की और जो कंट्री हैं सऊदी अरब है, उसके बाद मिस्र है, इज़राइल है, ईरान है, इराक है, इन सारे कंट्रियों से भी जो है बहुत आसानी से जो है भारत जो है अपना व्यापारिक संपर्क स्थापित जो है बहुत लंबे समय से करते आ रहा है, आसानी से कर पाया है। एक महत्वपूर्ण बात जो है भूमध्य सागर, जो यूरोप जो है वहाँ पर एक भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर से भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है मतलब जो है जोड़ने के लिए जो उस माध्यम से जो है अरब सागर को जोड़ता है और भूमध्य सागर और लाल सागर के माध्यम से अरब सागर को जोड़ता है, तो एक केनाल का निर्माण हो गया 19वीं शताब्दी में, जो केनाल बना है स्वेज केनाल। और इस स्वेज केनाल बनने के चलते भारत जो है और यह यूं कहे कि इस क्षेत्र से जो है यूरोप जाने के लिए लगभग 7000 किलोमीटर का दूरी जो है कम हो गया। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है मानव इतिहास में, 7000 का दूरी कम होने से क्या हुआ, हमारा जो इसमें जो व्यापार है, जो समुद्री मार्ग की ओर व्यापार है, या फिर जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्ट है या कम्युनिकेशन है, हमारा दूरी डिस्टेंस 7000 किलोमीटर कम हो गया। तो 7000 किलोमीटर का जो खर्च कम हो गया, तो बहुत बड़ा जो है उपलब्धि ये हुआ है। तो इस प्रकार देखते हैं कि भारत जो भारत की स्थिति जो इस पोजीशन यहाँ पर है, जो एशिया महादेश में है, भारत जो है सबसे पहला जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में जो है एशिया में, और एशिया में जो दक्षिणतम, एशिया के दक्षिणतम पोजीशन पे है, और ये दक्षिणतम पोजीशन के होने से और इंडियन ओशियन के पास होने के चलते भारत को जो है विभिन्न प्रकार का जो है फायदा मिला है, चाहे वह स्ट्रेटेजिक एज हो, मतलब जो है एक सैनिक, चाहे वह बढ़त हो, चाहे राजनीतिक बढ़त हो, चाहे ट्रेड, चाहे बिजनेस या व्यापार का जो बढ़त हो, इन सारे बढ़त जो है हमें मिला है। तो ये सब सारा चीज़ है हमें जानना है और इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि भारत जो है, हाँ भारत का जो है केंद्र शासित प्रदेश, भारत का हम कहेंगे भारत का जो है मुख्य भूमिका जो है दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी में, और ये अवस्थित है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट के पास है, और इसका दक्षिणतम बिंदु कितना है, इसका 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर में है। तो ये चीज को हमको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और जो है भारत का जो है सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ है, इसको भी याद रखना, इसका भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मतलब जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन में इसको पूछा जाएगा। और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर भारत का जो है पश्चिमी, भारत का जो है पश्चिमतम बिंदु है, और भारत का जो है सबसे जो है पूर्वी बिंदु है 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट, इसको भी याद रख लेना है। और भारत का प्राइम रेडियन और भारत का जो है स्टैंडर्ड टाइम जो है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, तो इसको याद रख लेना है। अब भारत का जो है वैसा भूमि जो किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को या समुद्र को नहीं स्पर्श करते हैं वे हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये सब भी याद कर लेना है। उसके बाद एक चीज़ है, भारत में जो है एक काल्पनिक रेखा जो कर्क रेखा गुजरती है, भारत को लगभग जो है दो बराबर भागों में बांटती है, एक कर्क रेखा जो गुजरती है ये 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में जो है ये नॉर्थ से पास होती है। तो भारत में जो है पश्चिम से पूर्व जो गुजरती है ये कर्क रेखा, तो किन किन राज्यों को जो है स्पर्श करती है, तो भारत में गुजरात को स्पर्श करती है कर्क रेखा, गुजरात के बाद स्पर्श करती है राजस्थान के बाद करती है मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश, जो हमारा देश नहीं है, उसके बाद त्रिपुरा के बाद मिजोरम के बाद
उसके बाद म्यांमार, तो ये सब जो है राज्य और ये जो है देशों को जो है कर्क रेखा जो है स्पर्श करती है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, क्वेश्चन भी है कि किन किन राज्यों को जो है कर्क रेखा स्पर्श करती है। तो ये चीज आपको इसको याद रखना पड़ेगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा, मिजोरम, म्यांमार, और इस तरह से ये आपका जो है ये पूछा जाएगा, इसको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और ये भारत में जो है 29 स्टेट्स हैं, और ये जो है 29वां जो राज्य है ये है तेलंगाना, जिसका जो है राजधानी है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश जिसका राजधानी है अमरावती, इसको याद रखना। और 8 नेशनल टेरिटोरीज, 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, जो 8वां है जम्मू कश्मीर, और उसके बाद जो है लद्दाख। तो ये चीज़ आपको मुख्यतः जो है मुख्य रूप से आपको याद रखना है। हाँ, एक और चीज, भारत का संबंध जो है हमारे प्राचीन काल, भारत का संबंध जो दुनिया के अदर देशों से जो हमारे प्राचीन काल से ही रहा है, और भारत का संबंध राजनीतिक संबंध हो चाहे व्यापार हो ये रहा है, लेकिन ये संबंध मुख्यतः जो है प्राचीन काल में जो है मुख्यतः जो है स्थल मार्ग से ये इस हो से ज़्यादा मतलब जो है संपर्क रहा है, राजनीतिक संपर्क या व्यापार रहा है। समुद्री मार्ग के तुलना में स्थल मार्ग जो है ज़्यादा पॉपुलर रहा है, क्योंकि उस समय प्राचीन काल में जो है समुद्री मार्ग का ज्ञान उतना नहीं था, हमारे जो खगोल शास्त्र का उतना ज्ञान नहीं था, समुद्र में लोग भटक जाते थे और समुद्र में बहुत ज़्यादा खतरा भी था, इसलिए समुद्र मार्ग उतना ज़्यादा सेफ नहीं था और वहाँ पर जो है पॉपुलर नहीं था, लेकिन स्थल मार्ग ज़्यादा पॉपुलर था। और भारत का संपर्क जो है, भारत की जो सीमा है उत्तरी और उत्तर की ओर, चाहे जो है दक्षिणतम बिंदु की ओर, इन पर्वतों की ओर से, हिमालय की ओर से, इनका जो दर्रा होते हैं, जो पास होते हैं, उस रास्ते के माध्यम से दूसरे देश के साथ जो है लोग आते जाते थे, व्यापारी लोग आते जाते थे, राजनीतिक लोग आते जाते थे। और इतना ही नहीं, भारत जो है, भारत का संबंध जो है यूरोप के साथ और एशिया के साथ जो है रेशम मार्ग, सिल्क रूट, रेशम मार्ग के द्वारा भी संपर्क स्थापित था, व्यापार या राजनीतिक संपर्क इस सिल्क रूट के माध्यम से था। तो सिल्क रूट जो रेशम मार्ग एक ऐसा मार्ग था जो प्राचीन काल में जो दुनिया को जो है पूर्वी देशों को जो है पश्चिमी देशों को चाइना के रास्ते होते हुए जो है पूरब को पश्चिम से जोड़ता था, और इस सिल्क रूट से, इस रेशम मार्ग से हमारा एशिया को भी जोड़ता था, हमारे भारत को भी जोड़ता था। तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही, तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम लोग कुछ आगे का जो हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो है सभी टॉपिक में, विभिन्न टॉपिक में जो है बहुत अनेक अनेक प्रकार के जो है वीडियो अब समय समय पर आने वाला है, और इसलिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, सब्सक्राइब अगर नहीं करेंगे तो फिर जो है इसका जानकारी आपको नहीं मिल पाएगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का जो लिंक जो है दूसरे विद्यार्थी को भी दें, ताकि जो हमारे संस्था का, हमारे जो है नॉलेज का जो है लाभ, जो हमारे अनुभवों का लाभ जो है उन्हें मिल सके। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग एंड बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द एके स्टडी सेंटर। आई एम अशोक कुमार शर्मा, जय हिंद।